अब हम जानें तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा या तुलनात्मक स्थिति विवरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो दो तिथियों में होने वाले संपत्ति और दायित्व को प्रकट करता है। जब हम प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चन जब हम बनाएंगे क्रियात्मक प्रश्न, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो प्रारूप है वो गत वर्ष को भी लिखने के लिए कहता है और चालू वर्ष के जो आंकड़े होते हैं उनको भी लिखने के लिए कहता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दो वर्षों को के लिए के कंपेरेटिव ये अध्ययन यहाँ पर करेगा। तो क्योंकि वो कंपेयर करेगा तो निश्चित है कि ये बताएगा कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, दायित्व से संबंधित हो या आय व्यय से संबंधित हो। एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगी कि ये जो कमी या वृद्धि है, चाहे वो लाभ में हो, व्यय में हो, आय में हो या संपत्ति में हो या दायित्व में हो, प्रतिशत के आधार पर भी हम यहाँ पर शो करेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या फिर कितने परसेंट की कमी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रारूप देखते हैं। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाएगा उसके अंतर्गत 6 कॉलम वाली एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले पर्टिकुलर यानी विवरण, फिर नोट नंबर, तीसरे कॉलम में प्रीवियस ईयर लिखेंगे जिसे हम ए लिखेंगे, चौथे कॉलम में करंट ईयर का स्टेटमेंट लिखा जाएगा जिसे हम बी लिखेंगे, पांचवे कॉलम में हम एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज यानी परिवर्तित राशि कमी या वृद्धि की जाएगी, और छठवें कॉलम में हम परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर व्यक्त करेंगे। पांचवा जो हमारा कॉलम है उसको हम सी कॉलम मानेंगे और इसकी कैलकुलेशन में हम सी इक्वल टू बी माइनस ए यानी कि बी कॉलम में से ए कॉलम को माइनस करने के बाद जो राशि आती है उसका विवरण लिखेंगे, और छठवें कॉलम में जहां पर हमको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी वहां हम फॉर्मूला लिखेंगे डी इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। तो आइए देखते हैं कि पर्टिकुलर में किन मदों का उल्लेख किया जाएगा। तो सबसे पहले पर्टिकुलर में हम लिखेंगे, फर्स्ट हमारी मेन हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत जो उप शीर्षक शामिल किए जाएंगे वे होंगे शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंतर्गत जो मदें शामिल की जाएंगी वो होंगी, पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले शामिल किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल को और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। बी रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा मुख्य बिंदु होगा नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसके अंतर्गत जो उपमदें शामिल की जाएंगी वो होंगी, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तीसरी मुख्य मद होगी करेंट लायबिलिटीज, और इसके अंतर्गत जो उपमदें शामिल की जाएंगी वो होंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करेंट लायबिलिटीज, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसको टोटल कर लिया जाएगा और फिर हम एसेट्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। एसेट्स में हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा फिक्स एसेट्स। इसके अंतर्गत दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और सेकेंड इनटेंजिबल एसेट्स। बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। सेकेंड हेडिंग होगी करेंट एसेट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा ए करेंट इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेंट्रीज, सी ट्रेड रिसीवेबल्स, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एफ अदर करेंट एसेट्स, और फिर इसका टोटल कर लेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक प्रारूपबद्ध रूप से हम इस पूरे विवरण को बनाते हैं। अब आइए इसी प्रारूप के आधार पर हम इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। अग्र जानकारी से जेड लिमिटेड का 31 मार्च 2013 एवं 2014 को तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा बनाइए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2013। पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में चार कॉलम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, और फिर 31 मार्च 2014 के लिए अमाउंट कॉलम दिया है और 31 मार्च 2013 के लिए। यहाँ पर्टिकुलर में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से विवरण दिए गए हैं। पहला जो मेन हेडिंग है वो है समता एवं दायित्व, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसके अंतर्गत जो इसका उपशीर्षक है उसमें दिया गया है शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2014 को 24 लाख है
और 31 मार्च 2013 को 18 लाख है। सेकंड जो उपशीर्षक है उसके अंतर्गत दिया गया है नॉन करेंट लायबिलिटीज और सेकंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% सुरक्षित ऋण पत्र में है ये 10% सिक्योर डिबेंचर में 2014 के लिए 12 लाख और 2013 के लिए 12 लाख। थर्ड सब हेडिंग में दिया गया है करंट लायबिलिटी, इसके अंतर्गत दिया गया है ट्रेड पेबल जो कि 2014 के लिए 12 लाख है और 2013 के लिए 9 लाख है। टोटल है इस पूरी लायबिलिटीज का 2014 के लिए 48 लाख और 2013 के लिए 39 लाख। संपत्तियों के अंतर्गत दिया गया है पहला नॉन करेंट एसेट्स, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है फिक्स एसेट, दूसरा पॉइंट है टेंजिबल एसेट्स जो कि 2014 के लिए 24 लाख है और 2013 के लिए 21 लाख है। दूसरा करंट एसेट्स दिया गया है जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल्स 2014 के लिए 16 लाख और 2013 के लिए 11 लाख। साथ में दिया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2014 के लिए 8 लाख और 2013 के लिए 7 लाख। टोटल है एसेट्स का 48 लाख फॉर 2014 एंड 39 लाख फॉर 2013। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार हमने वीडियोस में देखा कि क्या रूल है इनको कैलकुलेट करने के और फॉर्मेट हम इसका किस प्रकार बनाएंगे, तो हमने देखा कि लगभग वही फॉर्मेट हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान देखा था। तो अभी अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिलहाल यहाँ हम 6 कॉलम वाला एक बैलेंस शीट बना लेंगे जिसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर नोट नंबर, देन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 जिसे कि हम ए और बी नाम दे देंगे। फिफ्थ हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, जिसे हम कह सकते हैं सी इक्वल टू बी माइनस ए परसेंट। नेक्स्ट लास्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, इसे हम एक फॉर्मूला बेस पे लिख सकते हैं D इक्वल टू C अपॉन A इनटू 100, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर जो एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो बेस है यानी कि गत वर्ष की जो राशि है प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा हम करेंगे तो इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा और आपके समझने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी मेन हेडिंग है वो है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमको क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया गया है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 2013 के लिए हम देख रहे हैं 18 लाख है और 2014 के लिए 24 लाख है। अब हम देखते हैं कि इसमें एब्सोल्यूट चेंज क्या हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, तो पहले वो 18,000 था अब हो गया 24,000 यानी कि 6 लाख इंक्रीज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज 6 लाख है। और अगर हम इसको परसेंटेज चेंज में भी कैलकुलेट कर लें तो 6 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख जिसे कि हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा 33.33%। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% सिक्योर्ड लोन जो कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2013 के लिए है 12 लाख और 2014 के लिए भी है 12 लाख। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज हमको नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज का पॉइंट है थर्ड, यहाँ पर एक ट्रेड पेबल दिया गया है, ट्रेड पेबल है हमारे पास क्वेश्चन में जो कि 2013 के लिए 9 लाख है और 2014 के लिए 12 लाख है, इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो 9 टू 12 लाख यानी कि 3 लाख का एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पर आया है, इंक्रीमेंट दिख रहा है हमको। और अब अगर हम इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 लाख यानी कि 33.33% हम परसेंटेज चेंज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी प्रकार की इससे अतिरिक्त कोई जानकारी लायबिलिटी के लिए नहीं दी गई है तो इसको हम यहीं पे क्लोज कर लेंगे। टोटल करेंगे हम ए कॉलम यानी कि 31 मार्च 2013 के लिए तो ये हमको टोटल मिल जाएगा 39 लाख। 31 मार्च 2014 यानी कि कॉलम बी के लिए टोटल हमको मिल जाएगा 48 लाख।
कॉलम सी जहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंज देख रहे हैं, और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 लाख का। दोनों तरफ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 + 3 9 लाख, और दूसरी बात 39 लाख से ये 48 लाख हो जा रहा है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि 9 लाख का यहाँ पर चेंजेस हुआ है। परसेंटेज पे अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय 31 मार्च की जो अमाउंट है वो हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 39 लाख, और 23.08% यहाँ पर परसेंटेज चेंज हुआ है। निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक चिट्ठा बनाइए। बैलेंस शीट के अंतर्गत दो वर्ष दिए गए हैं 2014 और 2015, और उनके विवरण दिए गए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2014 12,50,000, 2015 12,50,000। फिक्स एसेट्स 2014 15 लाख, 2015 18 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 2014 5 लाख, 2015 5,50,000। इन्वेस्टमेंट्स 2014 5 लाख, 2015 5 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 2014 7,50,000, 2015 7,50,000। करेंट एसेट 2014 7,50,000, 2015 5,25,000। करेंट लायबिलिटीज 2014 2,50,000, 2015 12,75,000। इस प्रश्न में हमको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट यानी कि तुलनात्मक चिट्ठा तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन सी एसेट्स को हम अलग करेंगे और कौन कौन सी लायबिलिटीज को, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। ऊपर के पोर्शन में यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल जो एसेट्स हैं उनको, और उसके नीचे हम लायबिलिटीज को लिख लेंगे। यहाँ पर हम एक 5 कॉलम वाला प्रारूप इसके लिए तैयार कर लेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर यानी कि विवरण लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम 2014 की अमाउंट लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम 2015 के अमाउंट लिखेंगे, फोर्थ कॉलम में हम इसके एब्सोल्यूट चेंज को लिखेंगे, और फिफ्थ कॉलम में हम परसेंटेज चेंज को लिखेंगे। फिक्स एसेट्स दिया गया है प्रश्न में, 2014 के लिए 15 लाख और 2015 के लिए 18 लाख। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3 लाख। परसेंटेज चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो वही फॉर्मूला हमारा होगा जो हम लगाते आए हैं, एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100, और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 2014 के अमाउंट से, यानी कि 3 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये हो जाएगा 20% चेंजेस। इन्वेस्टमेंट दिया गया है एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट 2014 के लिए 5 लाख, 2015 के लिए भी 5 लाख। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही हम इसमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स दिया गया है 2014 के लिए 7,50,000, 2015 के लिए 5,25,000। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो ये हो जाता है 2,25,000, और अगर हम इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें तो 2,25,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो 30% इसका परसेंटेज चेंज हम प्राप्त कर लेंगे। इस पूरे फॉर्मेट में एसेट से रिलेटेड और कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो यहीं पर हम इसको क्लोज कर लेंगे और टोटल एसेट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 2014 के लिए 27,50,000 आएगा और 2015 के लिए 28,25,000 आएगा। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 लाख में से हम 2,25,000 माइनस कर दें तो 75,000 आएगा, या फिर हम देखें कि 2014 का जो एसेट्स था टोटल वो 2,50,000 था, और 2015 में ये 28,25,000 हो गया, यानी कि 75,000 का यहाँ पर चेंजेस आया है। और अगर हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 75,000 into 100 divided by 27,50,000, इस बेस पे इसका परसेंटेज चेंजेस हो जाएगा 2.7%। अब इस प्रश्न में दिए गए लायबिलिटीज पर हम जाएं, लायबिलिटीज देखिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है 2014 के लिए 12,50,000 और 2015 के लिए 12,50,000।
तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एब्सोल्यूट चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है जो कि 2014 के लिए 5 लाख है और 2015 के लिए 5,50,000 है। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस करके तो हमको 50,000 का एब्सोल्यूट चेंज मिल रहा है। इसके बेस पे अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख यानी कि 10% यहाँ पर हमको परसेंटेज चेंजेस मिल रहे हैं। तीसरा एक पॉइंट दिख रहा है लॉन्ग टर्म लोन जो कि लायबिलिटी का पॉइंट है और 2014 के लिए ये 7,50,000 है और 2015 के लिए भी ये 7,50,000 है, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन में किसी प्रकार का कोई एब्सोल्यूट चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, यानी हम परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट दिख रहा है करंट लायबिलिटी जो कि 2014 के लिए 2,50,000 है और 2015 के लिए 2,75,000 है। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें इसमें डिफरेंस करके तो 25,000 का मिलता है और परसेंटेज चेंज अगर कैलकुलेट करें तो 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000 यानी कि 10% परसेंटेज चेंजेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं लायबिलिटी के भी और अब हम इसका टोटल कर लेंगे जो कि 2014 के लिए 27,50,000 आएगा, 2015 के लिए 28,25,000 आएगा, एब्सोल्यूट चेंज टोटल है 75,000 और टोटल परसेंटेज चेंजेस यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे 75,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 27,50,000 यानी 2.7%। 31 मार्च 2014 एंड 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अमृत लिमिटेड का तुलन पत्र निम्नानुसार है, कंपनी के लिए तुलनात्मक तुलन पत्र तैयार कीजिए। इस तुलन पत्र में 4 कॉलम दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले विवरण, उसके बाद नोट संख्या, फिर थर्ड कॉलम में 31 मार्च 2015 के लिए अमाउंट दी गई है और फोर्थ कॉलम में 31 मार्च 2014 की अमाउंट दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट मेन हेडिंग समता एवं देयताएं, जिसके अंतर्गत सब हेडिंग है इसकी फर्स्ट अंशधारक निधि, जिसमें दिया गया है पहला अंश पूंजी जो 2015 के लिए 20 लाख है और 2014 के लिए 15 लाख है। दूसरा दिया गया है आरक्षित एवं अधिशेष जो कि 2015 के लिए 13 लाख है और 2014 के लिए 14 लाख है। सेकेंड सब हेडिंग दी गई है गैर चालू देयताएं, जिसके अंतर्गत दिया गया है दीर्घकालीन ऋण जो कि 31 मार्च 2015 के लिए 19 लाख है और 31 मार्च 2014 के लिए 16 लाख है। थर्ड सब हेडिंग तीसरा पॉइंट दिया गया है चालू देयताएं, जिसके अंतर्गत दिया गया है व्यापारिक देय जो कि 2015 के लिए है 3 लाख और 2014 के लिए है 2 लाख। टोटल दिया गया है यहाँ पर लायबिलिटीज का 2015 के लिए 55 लाख, 2014 के लिए 47 लाख। सेकेंड परिसंपत्तियां दी गई हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है गैर चालू संपत्तियां, जिसमें दिया गया है स्थायी संपत्तियां और स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत मूर्त संपत्तियां हैं 2015 के लिए 20 लाख, 2014 के लिए 15 लाख। अमूर्त संपत्तियां दी गई हैं 2015 के लिए 19 लाख, 2014 के लिए 16 लाख। चालू संपत्तियां दी गई हैं जिसके अंतर्गत है पहला रहतिया 2015 के लिए 13 लाख, 2014 के लिए 14 लाख। दूसरा इसके अंतर्गत दिया गया है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक 2015 के लिए 3 लाख, 2014 के लिए 2 लाख। चालू परिसंपत्तियां जिसके अंतर्गत कोई अमाउंट यहाँ नहीं दी गई है। टोटल इसका हम कर लें तो 2015 के लिए जो टोटल है वो है 55 लाख और 2014 के लिए 47 लाख। इसके आधार पर हम एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015 के लिए, जिसके अंतर्गत हम 6 कॉलम वाला एक विवरण यहाँ तैयार कर लेंगे और
जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर यानी विवरण का, फिर नोट, और थर्ड कॉलम होगा 31 मार्च 2014, फोर्थ कॉलम होगा 31 मार्च 2015 के अमाउंट के लिए, उसके बाद होगा एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज, जो चेंजेस आए हैं एब्सोल्यूट चेंजेस उसके लिए, और फिर परसेंटेज चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर में एंट्री करते हैं, क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से देखते हैं। लायबिलिटीज को पहले हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट जो मेन हेडिंग है वो हो जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है हमने देखा वो होता है शेयर होल्डर फंड। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, जो कि प्रश्न में दिया गया है शेयर कैपिटल 31 मार्च 2014 के लिए 15 लाख, और 31 मार्च 2015 के लिए 20 लाख। एब्सोल्यूट चेंज देखिए यहाँ पर तो 5 लाख का एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है हमको, जो कि परसेंटेज चेंज में हो जाएगा 5 लाख × 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 33.33%। नेक्स्ट पॉइंट हमको दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि 31 मार्च 2014 के लिए है 14 लाख, और 2015 के लिए है 13 लाख। चेंजेस यहाँ हम देखें तो 1 लाख का यहाँ पर डिक्रीज चेंज दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है ये चेंजेस, ब्रैकेट में हम इसको कर सकते हैं या माइनस यहाँ पे हम लगा सकते हैं ताकि जब हम टोटल करें तो वहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम जब एब्सोल्यूट चेंज के लिए परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख × 100 डिवाइडेड बाई 14 लाख, और ये परसेंटेज में आ जाएगा 7.14% परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत एक पॉइंट दिया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंतर्गत दिया गया है 2014 के लिए 16 लाख और 2015 के लिए 19 लाख। दोनों का डिफरेंस निकाले हम एब्सोल्यूट चेंज देखिए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 लाख का डिफरेंस है, तो एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें 3 लाख × 100 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो ये हो जाएगा 18.75%। इसके बाद हम करेंट लायबिलिटी जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको देखें तो एक पॉइंट हमको क्वेश्चन में मिल रहा है ट्रेड पेबल, जो कि 2014 के लिए है 2 लाख, 2015 के लिए है 3 लाख, और यहाँ पर हम देखें तो एब्सोल्यूट चेंज जो हो रहा है वो 1 लाख का आ रहा है इंक्रीमेंट, और इसके बेस पे जब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1 लाख × 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख यानी 50%। और किसी तरह की कोई मदे यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रही है लायबिलिटीज के लिए, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे जो कि 31 मार्च 2014 के अमाउंट में हो जाएगा 47 लाख, 2015 के अमाउंट में हो जाएगा 55 लाख। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो 8 लाख आएगा, हमको विशेष ध्यान रखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो था उसमें डिक्रीज हुआ है 1 लाख, तो यहाँ पर हम उसको माइनस करके ओवरऑल टोटल जो है वो 8 लाख लिखेंगे। परसेंटेज चेंज जो है उसमें भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, परसेंटेज चेंज अगर हम देखें तो 8 जो है वो एब्सोल्यूट चेंज आया है, 8 लाख जो है वो एब्सोल्यूट चेंज आया है, तो 8 लाख × 100 डिवाइडेड बाई 47 लाख, तो 17.02% परसेंटेज चेंज हमको यहाँ मिलेगा। एसेट्स में हम आ जाए, एसेट्स कौन कौन से हमारे पास, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट है हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट्स दिया गया है, और उसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है टेंजिबल एसेट्स, जो कि 2014 के लिए है 15 लाख और 2015 के लिए है 20 लाख। एब्सोल्यूट चेंज हम देखें तो ये है 5 लाख, और परसेंटेज चेंज अगर हम देखें तो 5 लाख × 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख यानी 33.33%। टेंजिबल एसेट्स दिया गया है जो कि 2014 के लिए है 16 लाख और 2015 के लिए है 19 लाख। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें दोनों का डिफरेंस निकाल के तो हमको मिल जाता है 3 लाख। परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट करें तो 3 लाख × 100 डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो ये हमको मिल जाता है 18.75%। यहाँ करेंट एसेट्स दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हम इसमें शामिल कर लें। करेंट एसेट्स के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्रीज,
जो कि 2014 के लिए है 14 लाख, 2015 के लिए है 13 लाख। डिफरेंस अगर हम देखें एब्सोल्यूट चेंज की तो डिक्रीज हो रहा है 1 लाख से। विशेष ध्यान हमको यहाँ पे रखना है, कैलकुलेशन जब हम टोटल की करेंगे तो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव डिक्रीज हो रही है अमाउंट। और इस एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14 लाख, यानी 7.14%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया है करंट एसेट्स के अंतर्गत, जो कि 2014 के लिए है 2 लाख, 2015 के लिए है 3 लाख। इंक्रीज और डिक्रीज देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 लाख इंक्रीज हो रहा है, एब्सोल्यूट चेंज है 1 लाख। और इसके बेस पे अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, यानी कि 50%। तो ये जो टोटल है वो हो जाएगा 47 लाख फॉर ईयर 31 मार्च 2014 और 55 लाख हो जाएगा 2015 के लिए। एब्सोल्यूट चेंज टोटल हो जाएगा 8 लाख और परसेंटेज का जो टोटल है एसेट्स का वो हो जाएगा 17.02%। आइए अब तुलनात्मक लाभ हानि खाते पर एक नज़र डालें। वास्तव में तुलनात्मक लाभ हानि खाता जो होता है वो किसी व्यापार के लाभ और हानि के वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। बात करें कि इनसे किन किन बातों की जानकारी हम हासिल कर पाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलनात्मक लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जिससे विक्रय में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, एक तो ये पता चल जाता है। दूसरा, जो बेचे गए माल की लागत है उसमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ये हम जान लेते हैं। सकल लाभ, तीसरा जो पॉइंट है सकल लाभ, उसके बारे में हमको पता चल जाता है कि सकल लाभ में गत वर्ष की अपेक्षा कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ हम इससे ये भी जान लेते हैं कि शुद्ध लाभ की स्थिति क्या है, शुद्ध लाभ में कमी या वृद्धि की स्थिति क्या है, और संचालन व्यय कौन कौन से हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, इस तरह की जो सामान्य जानकारियाँ लाभ हानि से संबंधित होती है उसको हम लाभ हानि, जो तुलनात्मक लाभ हानि खाता बनाते हैं उससे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि तुलनात्मक लाभ हानि खाते का प्रारूप क्या है, किस प्रकार विभिन्न मदों को तुलनात्मक लाभ हानि खाते में व्यवस्थित करके लिखा जाता है। तुलनात्मक लाभ हानि खाते का प्रारूप, तुलनात्मक लाभ हानि खाते के प्रारूप के अंतर्गत हम 6 कॉलम वाला एक प्रारूप बना लेंगे, जिसमें पहले कॉलम में हम पर्टिकुलर यानी कि विवरण लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम नोट नंबर लिखेंगे, तीसरे कॉलम में हम गत वर्ष की डेट डालेंगे, चौथे कॉलम में हम चालू वर्ष की डेट डालेंगे, और पांचवें कॉलम में हम एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट लिखेंगे, और छठवें कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम एंट्री करेंगे पर्टिकुलर में। फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड अदर इनकम, दोनों को हम टोटल करेंगे, और थर्ड कॉलम हमारा और थर्ड बिंदु हमारा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का टोटल। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एक्सपेंसेस, इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, ए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बी परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, डी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ई फाइनेंस कॉस्ट, एफ डेप्रिसिएशन एंड एमोस्ट्रेशन, जी अदर एक्सपेंसेस, और फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। फिफ्थ हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हम थर्ड कॉलम में से फिफ्थ कॉलम को माइनस करेंगे, और इसमें से अगर इनकम टैक्स है तो वो भी हम माइनस कर देंगे। सिक्स्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।